राजूरा मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही राजूरा इनके नेतृत्व में 14 सदस्यों का विशेष पथक तैयार किया गया है। राजूरा के एक निजी निवासी छात्रावास के विद्यार्थियों में से दो विद्यार्थी ने बीमार होने से उन्हें राजूरा के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनकी प्रकृति कुछ ज्यादा ही बिगड़ने से उसी दिन सामान्य अस्पताल चंद्रपुर में उन्हें दाखिल कराया गया। इस बारे में एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी ने जानकारी मिलते ही सहायक प्रकल्प अधिकारी राजेश धोटकर ने बीमार विद्यार्थिनियों की प्रकृति की जांच करने के लिए सामान्य अस्पताल चंद्रपुर में भेज दी। उस समय उनके प्रकृति में सुधार था और उपचार शुरू था। सहायक प्रकल्प अधिकारी ने बीमार दोनों ही विद्यार्थिनियों को पूछताछ की, तभी दोनों ही विद्यार्थिनियों ने उन्हें चक्कर आने की जानकारी दी। इस बारे में प्राचार्य राजूरा इनके विद्यार्थिनियों को सामान्य अस्पताल चंद्रपुर में उपचार के लिए दाखिल कराए जाने सम्मन पत्र प्रकल्प अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ, लेकिन प्रकल्प अधिकारी कार्यालय यह 10 और 11 को लोकसभा चुनाव कामकाज में व्यस्त होने से 12 अप्रैल 2019 को प्रकल्प अधिकारी ने विद्यार्थिनियों के जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर के वैद्यकीय प्रमाण पत्र के अभिप्राय के आधार पर बीमार विद्यार्थिनियों के साथ किसी ने दुष्कर्म किया होगा इस आशय की लेखी फिरियाद सहायक प्रकल्प अधिकारी चंद्रपुर इन्हें देने से पुलिस स्टेशन राजूरा में 12 अप्रैल 2019 को तत्काल अपराध क्रमांक 185/19 कलम 376 अब भादवी सह कलम 4 बा लय अप्र कायदा के मुताबिक गुनाह दर्ज किया गया। गुनाह दाखिल होने बाद जांच दौरान घटनास्थल से मिली स्थितिजन्य पुरावे के मुताबिक 13 अप्रैल 2019 को बस्ती गृह अधीक्षक छबन पांडुरंग पचारे उम्र 44 रामनगर कॉलोनी राजूरा, साथ ही 14 अप्रैल 2019 को सहायक अधीक्षक नरेंद्र लक्ष्मण विरुद्धकर उम्र 40 रामनगर कॉलोनी राजूरा इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दौरान उक्त गुने में अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदे के 3(1)(1)(3)(2)(b) की कलम बढ़ाई गई, जिसके बाद 16 अप्रैल 2019 को छात्रावास के केयर टेकर के तौर पर कार्यरत कल्पना महादेव ठाकरे और लता मधुकर कन्ना के इन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों की 20 अप्रैल 2019 तक पुलिस कोठड़ी ली गई। साथ ही वसी गृह के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कार्यरत वेंकट स्वामी बोंदैया जंगम उम्र 51 वर्ष तुनाड़ा निवासी इसे गिरफ्तार किया गया है। आज तक उक्त गुन्हे में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में गुन्हे की विस्तृत जांच करने के लिए महिला पुलिस उपनिरीक्षक इनके 2 स्वतंत्र पथक तैयार किए गए थे, जो पथक छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थिनी के साथ साथ ही उनके घर जाकर उनके पालक के साथ संवाद साधकर पूछताछ कर रहे थे, जिनमें से कुछ विद्यार्थिनी अपना बयान दर्ज कराने सामने आई। जांच दौरान आज तक कुल 7 विद्यार्थिनियों के साथ दुष्कर्म होने का वैद्यकीय अहवाल के मुताबिक निष्पन्न हुआ है। उक्त गुन्हे की आगे की विस्तृत जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक इनके आदेश के मुताबिक जांच अधिकारी शेखर देशमुख उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजूरा इनके नेतृत्व में कुल 14 सदस्यों का विशेष जांच पथक तैयार किया गया है। इसी सिलसिले में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस संबंध जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने सिटी केबल समाचार को दी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे 2 लड़कियों को राजूरा में तबीयत ठीक नहीं बोल के उसने एडमिट किए थे। उनको तबीयत वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो उसको चंद्रपुर में रेफर किए थे। चंद्रपुर में रेफर करने के बाद 2 दिन पीडियाट्रिशियन ने ट्रीट किया, उसके बाद उसको डाउट आने के बाद उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। गायनेकोलॉजिस्ट ने टेस्ट करके उसको सस्पिशियस केस ऑफ सेक्सुअल असल्ट बोल के उसने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद उसने पीडियाट्रिशियन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसने ट्रीटिंग डॉक्टर उसने रिपोर्ट उसको फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद ये लड़कियों को स्पॉन्सर कर रहे थे प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रोजेक्ट ऑफिसर ने 12 तारीख में पुलिस के पास रिपोर्ट दिया। पुलिस ने FIR दाखिल किया। FIR दाखिल करने के बाद अभी तक हमने 5 आरोपी का अरेस्ट किया और बाद में जो लड़कियाँ इसी कंप्लेंट से आई है उनको भी हमने मेडिकल टेस्ट करवाया। अभी तक 7 लड़कियों का उसका सेक्सुअल अब्यूज़ बोल के उसने डॉक्टर का रिपोर्ट आई।
और रिपोर्ट हमने दाखिल किया और सब पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है और स्टेटमेंट और एविडेंस भी हम कलेक्शन करना शुरू है चालू। इस कारण में हमने जिला जिला लेवल में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया SDPO राजौरा शेखर देशमुख का नेतृत्व में, और उसके साथ में हमने 14 लोग दिया, ये 14 लोग मिलके इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं। और